आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि देश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष कितने क्षेत्रफल की अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण आवश्यक है। देश में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए लगभग प्रति वर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए इस वृक्षारोपण का लक्ष्य जो है वह हम सामाजिक वानिकी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सामाजिक वानिकी अर्थात सरकार के साथ साथ जो समाज है वो भी जो है खाली जगह पर वृक्षारोपण करे, जो शासकीय भूमि रिक्त है वहाँ पे समाज के द्वारा वृक्षारोपण किया जाए, तब ये जो पारिस्थितिकी संतुलन को हम बना सकते हैं। क्योंकि जो वनों का अनुपात जो है वह जो है लक्षित अनुपात से बहुत कम है, अतः सामाजिक वानिकी अत्यंत आवश्यक है, जिसके मदद से ही हम यहाँ पे जो पारिस्थितिकी के लिए जो लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक जो अवक्रमित भूमि पे वृक्षारोपण का लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखा, यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा गया था कि देश में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष कितने क्षेत्रफल कोई अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है, तो प्रति वर्ष हमें लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण करना होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।